हेलो सीरत, गुड नून। बाकी लोग भी आने वाले होंगे, है ना? स्टार्ट करेंगे आज सीमस हैनी को। बहुत सारा काम ये करके गए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। सब तो हम नहीं याद कर सकते एज यूजुअल, तो लास्ट में कुछ क्लास से देख रही थी। हेलो जॉट, हेलो सुनीता जी, हेलो मनबीर जी, सभी का वेलकम है। लास्ट क्लास से मैं देख रही थी, एक दो क्लासेस से क्या हो गया कि इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन जब मैं लिखती रहती हूँ ना, तो उसके बाद दिक्कत ये आती है। हेलो ममन जी, हेलो रिचू जी, कि लॉन्ग हो जाती है क्लास। ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि चला के तो फिर भी लोगों को 1.5 पे देखना है, 2 पॉइंट उस पर देखना है। मैंने ये सोचा है कि हम क्लासेस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। आंसर इन द सेंस क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज, हालांकि 10-10 क्वेश्चन जो हैं चल रहे हैं। हेलो गगनदीप, हेलो मनु जी, हेलो प्रीत धलीवाल जी, हेलो रेनू जी, सभी का वेलकम है। क्योंकि मैसेजेस ऐसे ऊपर नीचे जा रहे होते हैं ना, एकदम से भाग रहे होते हैं, तो हो सकता है मैं सभी का नाम ना ले पाऊँ, लेकिन वेलकम सभी का है। तो जितनी जल्दी कोर्स ख़त्म कर लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। हाँ जी मनबीर जी, ये मैंने सोचा है, फिर मैं ना लिंक सेंड कर दूंगी। जैसे रात भी मैं जब पढ़ रही थी सीमस हैनी के बारे में, क्योंकि ज़्यादा पुराने नहीं है, ही गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन द ईयर 2013। हेलो मधु जी, तो ठीक है, फिर जो लिंक है ना, मैं लिंक जो मेन चैनल है, डिस्कशन ग्रुप नहीं, मेन चैनल पे डाल दूंगी। जैसे ही वो मेन चैनल पे पहुंचेगा, क्योंकि सब लोग डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, एक बार उस लिंक को विजिट कर लेना। विकिपीडिया क्या होता है, विकिपीडिया भी आप सर्च करोगे, एंड नंबर ऑफ अचीवमेंट्स वो किसी भी पर्सन की वर्क खोल कर देता है। लेकिन मैंने लास्ट जो डिस्कस किया था ना टेड ह्यूजेस के बारे में, ठीक है, मुझे याद है टेड ह्यूजेस के एक दो वर्क थे जो कि विकिपीडिया में मेंशन नहीं थे। सिर्फ विकिपीडिया पे रिलायबल मत रहना, एक दो वेबसाइट्स में और सर्च कर दूंगी, ठीक है, उनको पोस्ट कर दिया करूंगी, वहां से प्रिसाइस वे में चले जाना, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ लंबी भी नहीं होगी वीडियो, मेन चीजें दिमाग में स्टोर कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर है, जिनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी वेलकम है। अगर उनको नहीं पता कि टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि बाद में भी कुछ लोग वीडियोस देखते हैं, वो चैनल के अबाउट में चले जाएं। डिस्क्रिप्शन का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा, ठीक है, आज भी मैं एक ही राइटर डिस्कस कर पाऊंगी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, एकदम से स्विच करना फिर मुझे ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो सीमस हैनी, पहली बात करेंगे इनके पूरे नेम की। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीमस जस्टिन हैनी, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। अभी कल भी मैंने ग्रुप पे एक दो क्वेश्चन सर्च करे थे, सेंड भी किए थे, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट पूरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ नहीं तो राइटर का नाम ही पूछ लेता है। हाँ जी मीनू जी, हेलो इंदुबाला जी, ठीक है, तो पूरा नाम मैंने इनका आपको बता दिया है। दूसरी चीज़, जब आप इनके बारे में सर्च करोगे, ऐसा लिखा जाएगा कि ये नोबल प्राइज़ बहुत सारे फील्ड में मिलता है ना, केमिस्ट्री में भी मिलता है, फिजिक्स में भी मिलता है, मैथ्स में भी मिलता है, तो नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इनको मिला था। लिटरेचर में इसलिए ऐसा लिख रही हूँ, सिर्फ सॉर्ट ऑफ याद दिलाने के लिए, अदरवाइज़ हमें पता है हम लिटरेचर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो किस ईयर में मिला था, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इनको जब नोबल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, वो था 1995। किस वर्क के लिए मिला, कितनी अचीवमेंट्स के लिए मिला, ये नहीं पूछता। बहुत बार ये पूछ लेता है कि इन में से, यानी कि चार ऑप्शन में से पूछ लेगा कौन कौन नोबल प्राइज़ विनर नहीं है या है, ठीक है। अभी जब हम ए के रामानुजन को करेंगे या टैगोर को करेंगे ना, इंडियन राइटर्स में से भी बहुत सारे लोगों को मिला है। हाँ जी मधु जी, तीसरी चीज़ इनके बारे में जो ध्यान रखनी है वो है इनकी आइडेंटिटी, ठीक है। इनकी 1939 में जब ये बॉर्न हुए और 2013 तक जब ये दुनिया में रहे, ये डबलिन से बिलोंग करते हैं, डबलिन जो कि आयरलैंड में है। जब हम ईट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, तब भी इस चीज़ का आएगा, आयरिश मूवमेंट का या आयरिश रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे, ईट्स की ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, वहाँ से जो हिस्ट्री है ना। डब्ल्यू बी ईट्स जब हम करेंगे, विलियम बटलर ईट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो ये चीज़ डबलिन की या आयरलैंड की अपनी क्या एग्जिस्टेंस रही है पास्ट में, ये किसी को अगर बहुत अच्छे तरीके से जानना है तो या तो सबसे पहले ईट्स को पढ़िए, नहीं तो फिर हैनी को पढ़िए, ठीक है।
तो ये आयरिश बाय नेशनैलिटी, ही वॉज एन आयरिश, ठीक है। हाँ जी नीलम जी, आयरिश पोएट प्ले राइट, ठीक है। मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये दिख रहा है या नहीं। ट्रांसलेटर, एक और चीज, हर कोई ट्रांसलेटर नहीं है, जरा ये भी ध्यान रखना। ट्रांसलेटर वही पर्सन होगा जिसने किसी रिटर्न वर्क को या ऑलरेडी पहले किसी वर्क को अगेन दोबारा ट्रांसलेट किया होगा, ठीक है। एक चीज और थे ये लेक्चरर, ठीक है, यानी कि पढ़ाया भी करते थे। इनकी वाइफ भी जो थी वो स्कूल टीचर थी। रेफरेंस ऐसे मिलेगी 1976 से 2013 तक, यानी कि फ्रॉम दिस ईयर टिल हिज डेथ, ये आयरलैंड में रहे थे, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये हमें रेफरेंस मिलती है। वैसे तो बाय बर्थ ही वहाँ का इनका ओरिजिन रहा है, लेकिन लास्ट के जो कुछ साल हो जाते हैं ना, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में राइटर रहता है ना, वो उसकी सराउंडिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखता है या अवेयर हो जाता है। बैकग्राउंड इनका वहाँ का था, अच्छी बात है, पर हम इंग्लिश लिटरेचर में रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर से डील करता है तो इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है हमारा जानना कि हमें पता होना चाहिए राइटर के बारे में। आखिरी जो टाइम था वो इंग्लैंड में नहीं था, स्कॉटलैंड में नहीं था, हालांकि रेफरेंस इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की आपको इनकी राइटिंग्स में मिलेगी, ठीक है। अभी उस टॉपिक पे भी डिस्कस करूंगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। एक दो चीज़ मैं और बता देती हूँ उनके बारे में। फिफ्थ पॉइंट, हाँ जी नीलम जी, अभी लिख रही हूँ मैं उसको, ठीक है। मैंने यीट्स को मेंशन किया और मैंने ये बोला भी कि अगर डबलिन के बारे में या आयरलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानना हो, सबसे पहले डब्ल्यू बी यीट्स पढ़ेंगे, देन सीमस हैनी। हालांकि सीमस हैनी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एज अ पोएट या एज अ प्ले राइट नहीं लगाया जाता, ना ही ये लोग इस पर ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ अचीवमेंट्स हैं, एंड नंबर ऑफ वर्क हैं। 2016 में इनकी लास्ट ट्रांसलेशन आई थी, सिक्स बुक्स ऑफ द एनिड। बाकी तो विकिपीडिया भरा पड़ा है, ठीक है, लिंक मैंने सेंड कर दिया है। एक चीज़ कि हैनीज के जो ब्रदर था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी, मतलब जब वो बहुत ही छोटा होगा, जैसे कल हम एक राइटर को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि मैरी बार्टन जब लिखी गई थी तो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, ऐसे ही जो इनका लिखने के पीछे रीज़न रहा है ना, वो ये कहा गया है कि दो ऐसी पोम्स हैं जो डायरेक्ट ब्रदर के बारे में रेफर करती हैं, मतलब राइटिंग्स के बारे में बोला है, ठीक है। तो इनके ब्रदर का दरअसल एक रोड एक्सीडेंट में, जब ये महज ये जो हैं ये 4 साल के रहे होंगे, तो इनका ब्रदर था उसका रोड एक्सीडेंट में, मतलब ही वॉज किल्ड। तो उनके याद करते हुए, ठीक है, हम डेडिकेशन भी नहीं कह सकते, ब्रदर के लिए लिखी है, क्योंकि डेडिकेटेड होता है कि एक तरीके से ऑफिशियली स्टैम्प मिल जाती है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि ब्रदर के लिए लिखी है। दो पोम्स की रेफरेंस मिलेगी, पोम्स उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, ब्रदर को याद करके जो लिखी हैं, स्पेशली फर्स्ट है मिड टर्म ब्रेक, ये याद इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें भी कई बार मिड टर्म ब्रेक मिलता है ना, एग्जाम्स के बीच में। नेक्स्ट जो इनकी पोम का नाम है वो है द ब्लैक बर्ड ऑफ ग्लेनोर, द ब्लैक बर्ड ऑफ ग्लेनोर। तो ये थोड़ा सा आपको दो चीज़ें ध्यान रख लेना, बहुत सारी जगह ऐसा हो सकता है कि आपको डेडिकेटेड वर्ड मिल जाए, ठीक है, चांसेस वैसे बहुत, और जो रीज़न है लिखने का वो भी मिल जाएगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, और वो किसी रीज़न से बच नहीं पाया। नेक्स्ट, लेक्चरर खुद भी थे ये 1965 में, जिस पर्सन से इनकी शादी हुई, ठीक है, हालांकि मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करती लोगों के बारे में, लेकिन ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, मैरी डेवलिन, क्योंकि ये स्कूल टीचर थी, ठीक है। अगर याद हो तो जैसे हम पिछली कुछ इनिशियल क्लासेस में जैसे हम गास्कल को याद कर रहे थे या गास्कल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हस्बैंड की रेफरेंस को इसलिए मेंशन किया था बिकॉज गास्कल के लिए हर हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव बुक की राइटिंग में, सेम यही रोल इनका भी था, ठीक है। तो जितना टाइम ये दे सकती थी सीमस हैनी की राइटिंग को, हालांकि एज डिफरेंस दोनों में बहुत ज़्यादा था,
और एक चीज जो बात है वो ये कि शी ऑल्सो डाइड इन द सेम ईयर 2013, एज डिफरेंस जबकि बहुत ज्यादा था, तो ये भी सपोर्ट किया करती थी राइटिंग में. वैसे तो इनको जरूरत नहीं थी, लेकिन एक जो बैक सपोर्ट होता है ना कि कोई है समझने वाला, उस चीज के इन्फ्लुएंस थोड़ी सी ज्यादा होती है. नेक्स्ट चीज, बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी चीजें कही हैं. जैसे ही आप विकिपीडिया, जैसे ही आप सर्च इंजन में डालोगे ना सीमस हैनी, फर्स्ट जो लिंक आपको ओपन करके देगा बहुत सारे राइटर्स का नाम देगा. लेकिन मैं सिर्फ रॉबर्ट लोवेल को मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है और पूछा गया था. ठीक है, पूछने से मुझे याद आया, किसी ने हाल फिलहाल ग्रुप पे एक क्वेश्चन डाला था. ठीक है, हमारे वाले ग्रुप पे तो फिर उसका नहीं स्क्रीनशॉट शेयर हुआ. आई एम श्योर बहुत सारे लोग दूसरे अदर ग्रुप में भी हैं, उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर किया गया कि हु इज अ फेमस फॉर हिज ट्रेजेडीज. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो मच रिलायबल ऑन इंटरनेट. जबकि मैं जो नए जुड़े हैं ना, फिर से उनको यही कहूँगी कि अगर आप विकिपीडिया ध्यान से देखते हो तो विकिपीडिया की साइड में एक कलम बनी हुई आती है, एडिटिंग का जो ऑप्शन होता है ना, उस पर क्लिक करते ही वो सर्च इंजन आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगेगा. आपको सर्टेन 3 से 4 बार पूछेगा कि डू यू रियली वांट टू एडिट दिस इंफॉर्मेशन. तो अगर जब आप पहली बात कि कोई पेपर दे रहे होते हो ना, तो सबसे पहले उसके रूल्स पता होने चाहिए. रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी आप पेपर दे लो, चाहे आप यूपीएससी दे लो, यूपीपीसीएस दे लो, आरपीएससी का पेपर दे लो, बीपीएससी का दे लो, या कोई और स्टेट एग्जाम दे लो, टीचिंग का दे लो, बैंक का दे लो, एसएससी का दे लो, कोई सा भी दे लो, किसी भी लेवल का दे लो, सब जगह यही लिखा हुआ है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को वो कंसीडर नहीं करते. क्योंकि नहीं करते ना, वो तो मिनट में चेंज हो जाती है. मैंने आज अपना एक ब्लॉग बनाया है, कोरा बनाया है, कोई भी बनाया है, वो इंफॉर्मेशन मेरी है, दैट प्लेटफॉर्म कंप्लीटली बिलोंग्स टू मी. मैं उसको चेंज कर सकती हूँ. जो एक पब्लिश वर्क होता है ना, जो मार्केट में आ गया, भैया मैंने उस किसी चीज़ को क्लेम किया कि ये छपा हुआ है, उसका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहता है, उसको लॉ सपोर्ट करता है क्योंकि वो मार्केट में वो चीज़ छप चुकी है. 50,000 कॉपियाँ, 50 लाख कॉपियाँ अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया बिक चुकी हैं, लोगों के पास हैं, सारी की सारी थोड़ी ना कोई गायब कर देगा. पता नहीं लोग यार क्यों नहीं समझते. हेलो एवलाज, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर ठीक है करते रहो यार, मुझे तो हार्डली कोई फर्क पड़ता होगा. थोड़ा सा अवेयर रहें इन चीज़ों के बारे में. तो जो इन्फॉर्मेशन अभी कही गई कि रॉबर्ट लोवेल ने इनको कहा था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश, जैसा कि अभी हाँ जी रेनू जी ने भी कहा, एज इट इज द मोस्ट, यहीं से कॉपी करती हूँ मैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोएट. ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ ऐसे ना, आयरिश पोएट किससे पहले, सिंस ईट्स विलियम बटलर ईट्स की बात कर रहा है. ये वो वाला ईट्स, वो तो यीस्ट होता है, सॉरी, जो पिज्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं हम, खमीर जिसको बोलते हैं, है ना. हेलो अमन जी. नेक्स्ट एक और पर्सन इम्पोर्टेंट है लिटरेचर के हिसाब से, टेरी गल्टन. ठीक है, तो टेरी गल्टन राइटर ही हैं, हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत सारी जगह पढ़े जाते हैं. हेलो अशोक जी, वेलकम है सभी का, जो नए जुड़ रहे हैं. टेरी गल्टन ने, वैसे तो ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, इनके बारे में कहा था एन एनलाइटेंड कॉस्मोपॉलिटन, एन एनलाइटेंड कॉस्मोपॉलिटन. ठीक है, ये भी आपको रेफरेंस मिल जाएगी. लिबरल भी कहा था इनको, कॉस्मोपॉलिटन लिबरल. कोई ऐसा इनका कॉन्ट्रोवर्शियल वर्क तो था नहीं कि जैसे इन पे बायरन हो गए या शैली हो गए कि कॉन्ट्रोवर्शियल. ठीक है, लाइफ भी कॉन्ट्रोवर्शियल रही हो और भागते फिरे हों चीज़ों से. जिन लोगों को नहीं पता तो फिर यही है, अगर किसी रीज़न से नहीं पढ़ा शैली या बायरन, तो चैनल पे वीडियो है, अगर देखना चाहो तो देख लेना. वैसे तो मोस्टली लोग बाद में पढ़ ही लेंगे, खुद पढ़ो तो खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्मोपॉलिटन लिबरल, ठीक है, मैं इसलिए इतना लिख रही हूँ क्योंकि बाद में आपको ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी जैसे ही आप इसके बारे में पढ़ोगे. तो पूरी कंप्लीट जो है रिफ्यूज़ टू बी ड्रीम लिख ही देती हूँ, अब फिर क्या छोड़ना, रिफ्यूज़ टू बी ड्रीम. ठीक है, तो ये एक तरीके से इनकी तारीफ में इन्होंने कहा था. तो रॉबर्ट लोवेल और ईगल्टन,
लिटरेचर के हिसाब से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही बहुत कुछ लिख कर गए हैं। ज्यादातर बुक में इनका नाम मेंशन नहीं किया जाता, बट एज इट इज अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मुझे याद आया कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एज़रा पाउंड और एलियट की मीटिंग के बारे में, तो उसका आंसर था कॉनराड एकन। मुझे अब याद आ गया, अगर किसी को नहीं पता मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, दरअसल 9 बजे के अराउंड या 9:30 बजे के आसपास 10 क्वेश्चन का MCQ मैं चैनल पर डाल देती हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर किसी को आना हो, क्योंकि वो टेलीग्राम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, चैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे तो देख लेना। इनके बारे में भी लिटरेचर में रेफरेंस नहीं मिलती, बट ये भी राइटर रहे हैं। कुछ ऐसी फेमस पर्सनालिटी अपने टाइम में थी जिनके बारे में कभी कभार, इनफैक्ट बहुत बार, किसी सर्च इंजन में या किसी भी बुक में नहीं दिया जाता। नीलम जी कह रही हैं, नीलम जी दो कॉनराड हैं, एक कॉनराड एकन है, सर्च करोगे आप, एक था जोसेफ कॉनराड, ठीक है, जिसने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखी है, नोस्ट्रोमो लिखी है, जिसका कि ज्यादातर राइटिंग्स में जो रेफरेंस है ना सी से ही शुरू होती है, ठीक है। इंदु बालाजी कह रही है कौन सा, इंदु बालाजी क्या पूछ रहे हो, अगर टेलीग्राम ग्रुप पूछ रहे हो तो चैनल के अबाउट में है, ठीक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा, वो डला हुआ होगा कि एज़रा पाउंड और थॉमस स्टर्न्स एलियट की फर्स्ट मीटिंग। ऐसा नहीं है, उनको इमेजिज्म के थ्रू भी हम जानते हैं ना कि वो एक दूसरे को, उन्होंने बहुत सारे, मतलब 2 या 3 ऐसे वर्क हैं जो डेडिकेट किए हैं, क्राइटोरियन करके भी जो उनका वर्क था, मतलब मैगजीन कह लो उसको, कुछ जर्नल भी थे जिसमें दोनों ने एज अ कोलैबोरेटिव वर्क भी किया है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। नीलम जी मैंने दोनों दिए थे, जोसेफ कॉनराड भी दिया था, कॉनराड एकन भी दिया था, उसका आंसर कॉनराड एकन था, ठीक है, पहले आप सर्च कर लेना उसको, वो मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट इस पे जो क्वेश्चन बनता है पॉइंट में भूल गई एज इट इज। इनके वर्स में यानी कि इनकी राइटिंग्स में एक चीज की रेफरेंस बहुत ज्यादा मिलती है, अगर आप इसको सर्च करोगे ना, जो मैं अब टर्म लिखने वाली हूं, ये टर्म आपको फर्स्ट या सेकंड वेबसाइट पे जैसे ही डालोगे वैसे ही दे देगा, क्योंकि ये UGC नेट में क्वेश्चन पूछा गया था। हर किसी राइटर पे तो नहीं बनता, ठीक है, इन पे बनता है। तो रूलर, अल्स्टर, अल्स्टर अगर किसी को नहीं पता, इसे यूल्स्टर भी बोलते हैं लोग, लेकिन मैं इसको अल्स्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अल्सर नाम की एक बीमारी भी होती है पेट के रिगार्डिंग, मतलब स्किन जो है ब्रेक हो जाती है, तो इसीलिए जब उसको अल्सर बोला जा सकता है तो ये अल्स्टर ही प्रोनाउंस किया जाएगा। तो ये जो रूलर अल्स्टर की फिगर्स है ना, ये सबसे ज्यादा सीमस हैनी ने अपनी राइटिंग्स में यूज की है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा राइटर है जिसने ये इमेज यूज करी है। अभी अल्स्टर है क्या, जब आप सर्च करोगे तो आपको ये एरिया दिखाएगा, पहले भी मैंने रीजन जो है डिस्कस किया था कि आज तो सेपरेशन हमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड या फिनलैंड के बीच में देखने को मिल जाती है, बट अगर आप उसका पुराना मैप देखोगे तो आपको जो स्कॉट या जो इंग्लिश लोग हैं, ठीक है, उनका रीजन बहुत ज्यादा पास पास दिखेगा। मधु जी कह रही है बफरिंग, मधु जी मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ जी पेन ऑफ रूलर एरियाज, हाँ जी ठीक है, स्पेसिफिक तो पेन वर्ड नहीं अप्रोप्रिएट है, डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज होता था ये, क्योंकि कैसी सराउंडिंग में वो रहते हैं, तो अगर आप मीनिंग इसका देखोगे तो वही मिलेगा कि रूलर या जो पास्टोरल सेटिंग होती है ना उसके बारे में बात करता है, ठीक है, पेन तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि कई बार रूरल एरिया में लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सीमित है, ठीक है, ओपन स्पेस है, लैंडस्केप है, ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो इंजॉय करते हैं लोग। तो इनके अलावा तो मुझे नहीं लगता, अगर वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो इस प्रॉपर फिगर का किसी और पर्सन ने यूज़ किया है, ठीक है, हाँ जी अमन जी मोस्टली यहीं से डील करती हैं, ठीक है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन बनता है, जब आप सर्च करोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके वर्क की, वर्क से फिर अवार्ड्स भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा अलग से नहीं करेंगे। वैसे आप सर्च करोगे तो एंड नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं, लेकिन जो फिगर है ना, जैसे TS एलियट अवार्ड भी मिला था,
व्हाइट हेड अवार्ड भी मिला था। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो पास्ट से लेकर अभी तक चल रही हैं, जो कॉन्टिन्यूशन में चीजें चल रही होती हैं, जो वेल नोन चीजें हैं, उनके बारे में ज्यादा चीजें पूछने का रहता है चांस। जैसे टी एस एलियट अवार्ड के बारे में पूछ लेगा तो वो क्या करेगा कि ये नहीं देगा कि किस राइटर को मिला है, ठीक है। सीमस हैनी के साथ साथ टी एस एलियट के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे ना, उनका भी नाम देगा। तो मोस्टली 50% लोग क्या करेंगे, सीमस हैनी को जो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे ना, वो उस अवार्ड पे नहीं लगाएंगे, वो टी एस एलियट के कंटेम्प्रेरी को लगाएंगे कि हाँ टी एस, या फिर जो बाद वाले राइटर्स होंगे कि टी एस एलियट वेल नोन पर्सनैलिटी थी, बहुत कुछ करके गया, उसका वेस्ट लैंड तो एक मास्टर पीस है। चाहे कोई भी इंसान हो लिटरेचर में, अगर उसने वेस्ट लैंड नहीं पढ़ा, बाकी सारे टी एस एलियट का वर्क को पढ़ के बैठा है, फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो लोग ही गलती करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट जो वर्क है इनका, फर्स्ट वर्क्स तो बहुत सारे हैं, डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट फर्स्ट मेजर वॉल्यूम है, हाँ जी अमन जी, मैं कह रही हूँ ना बहुत सारे प्राइज हैं, बहुत सारे, सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं, ठीक है। ईएम फॉरेस्टर भी है, और ईएम फॉरेस्टर और वॉल्ट विटमैन का पैसेज टू इंडिया, ठीक है। अब दोनों का थोड़ा सा कनेक्शन भी रहा है, जिसको नहीं पता तो वो मैं एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ पैसेज टू इंडिया डाल के देख लेना, ईएम फॉरेस्टर का भी नाम दिखाएगा, वॉल्ट विटमैन का भी नाम दिखाएगा। डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट ये फर्स्ट मेजर कलेक्शन थी, किस चीज़ की, पोएट्री की, ठीक है। सारी चीज़ तो हम नहीं कर सकते, तो पोम्स हैं बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी। हाँ जी मधु जी, 1966, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, डोर इनटू द डार्क, डोर इनटू द डार्क सेकंड मेजर वर्क, इसका जरा ईयर बता देना, ठीक है। 67, 68, 69, क्योंकि 6 लिख दिया है तो इससे आगे तो क्या ही जाएंगे, अगर फर्स्ट वर्क यहाँ आया था तो। ये सेकंड मेजर कलेक्शन थी, इसमें भी पोम्स की ही बात करता है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है जिससे कि टाइम थोड़ा बच सके। हाँ जी रेनू जी, फर्स्ट वाली जो कलेक्शन है ना, उसके अंदर 34 पोम्स का हमें रेफरेंस मिलता है, हाँ ठीक है, 34 पोम्स है इसमें। सारी मैं नहीं बता पाऊंगी ना, सारी तो हम याद भी नहीं कर पाएंगे वैसे इतने सारे। रिचु जी कह रही हैं, और अमन जी 1969, नीलम जी ने 67 दिया है आंसर, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 1969, ठीक है। 3 साल बाद आई थी ऑलमोस्ट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट जो है 1969, सेकंड जो है, फर्स्ट जो है वो 66, सेकंड जो है वो 69। हाँ अभी तक तो चल ही रहा है। नेक्स्ट वर्क, विंटरिंग आउट, कभी कभार नाम पूछ लेता है विंटरिंग आउट किसने लिखी है, तो 1972 में आई थी, राइटर सीमस जस्टिन हैनी, मिडल नेम लिख दूँ जरा, ठीक है। जस्टिन हैनी भी अगर दे तो यही इसी के बात करेगा, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स को कम करने के लिए, ठीक है, कंपटीशन को कम करने के लिए या कुछ हद तक बढ़ाने के लिए सीमस जस्टिन भी दे सकता है नाम, आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आप एज एन एस्पिरेंट या एज अ स्टूडेंट आपके फॉल्ट ये हो जाएगा, क्योंकि वो ये कह देंगे कि जब हम सिलेबस देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरा करो, तो ऐसी चीज़ों पर हम क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ नाम हमेशा ध्यान रखना। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, ओनली हैनी भी दे सकता है, सीमस हैनी भी दे सकता है, जस्टिन हैनी भी दे सकते चाहिए। नॉर्थ, ठीक है, 1975, पोम की कलेक्शन ही है अभी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फील्ड वर्क 1979, सर्च करोगे तो सिलेक्टेड पोम्स भी मिलेंगी, सिलेक्टेड पोम्स करके गास्कल ने भी लिखी थी, कल अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, उस बड़ी सारी राइटिंग में मैंने वो मेंशन किया था। कलेक्टेड पोम्स करके भी, मतलब कलेक्टेड वर्ड करके भी एक आपको मिल जाएगा सर्च करोगे गूगल पे, तो ऐसी वाली चीज़ें जो बहुत सारे लोगों की सेम सेम होती है ना, वो नहीं देता। एक मुझे अभी जस्ट बात याद आई, ऑटर,
ऑटर करके, द ऑटर करके, ठीक है, इनकी भी एक पोम है और टेड ह्यूजीज का भी एक वर्क है। अभी तक बहुत कम ऐसी जगह हुआ है कि एक वर्क देखे ये पूछ ले कि बताओ किस किसने लिखा है। वो उन्हीं केसेस में पूछता है जब उस वर्क पे किसी ने कोलैबोरेटिव वर्क किया हो, ठीक है, मिलकर काम किया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये पूछ ले कि द ऑटर वर्क किस किसने लिखा है, टेड ह्यूजीज ने, सीमस हैनी ने, और दो नाम और दे दे और फिर लिख दे कोई, मतलब एक नाम और दे दे और फिर लिख दे बोथ ए एंड बी, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। हाँ जी अमन जी, वही बताया मैंने, टेड ह्यूजीज का भी है, ठीक है। इस पर प्ले भी बना था ऑटर पे 2003 में, ईयर नहीं मिला, ठीक है। और जो एक दो वेबसाइट थी ना वो कंफर्म नहीं करती थी उस बात को, किसी पर्सन ने लिख के अपने ब्लॉग पे ऐसे ही डाला हुआ था कि ऑटर का जो ईयर था वो क्या था। इसके लिए तो सर्च करना पड़ेगा कि किस कलेक्शन के अंदर ये पोम आती है। स्टेशन आयरलैंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अब जिसकी बात कर रहे हैं। यहां से रब करते हूं, है ना। मनबीर जी कह रहे हैं ठीक है नीलम जी, अगर ऑटर 1984 है तो ठीक है, लिख लेना भाई ऑटर का ईयर, अगर नीलम जी 1984 कह रही हैं तो। प्लीज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस टेक वन क्लास ऑन सेम वर्क ऑफ राइटर्स, ठीक है मनबीर जी। एक बार पहले वो तो देख ले, पहले वर्क देख लेते हैं, ऐसी एक बार हमें ये हो जाए कि हमने एक बार पढ़ लिया, फिर जो वर्क है ना किसी भी राइटर के, जो छुपे छुपे वर्ड्स भी होते हैं या वर्क भी होते हैं, उनको तो हम MCQ फॉर्म में भी कर सकते हैं, है ना। आप जो मैसेज मुझे देना चाहते हो वो मुझे तक पहुंच गया, वो मैं समझ गई, तो उसकी टेंशन आप मत लो। स्टेशन आयरलैंड मैंने लिखा ही नहीं ना अभी, इसलिए मुझे नहीं पता, ठीक है। अब लिख रही हूं तो अब है, क्योंकि एक दिमाग यहां रहता है, एक दिमाग यहां रहता है, तो स्टेशन आयरलैंड के साथ एक और चीज भी मुझे बतानी है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, पहली बात कि इसके टाइटल में आयरलैंड के बारे में बताया है, ठीक है। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि सीमस हैनी का वर्क है, अगर नेशनैलिटी पता है तो वो अंदाज़ा थोड़ा सा लगा सकता है। ये वर्क जो है ये डेडिकेट किया था, डेडिकेटेड टू ब्रायन करके ही नाम है उसका, ब्रायन, ठीक है। आगे का नाम अगर पढ़ा है तो बता दो, क्योंकि आगे के नाम में मुझे फिर एक और चीज बतानी है। फ्राई फ्राई करके कुछ है, जैसे फ्राई करते हैं ना, फ्रायल नाम है। हाँ जी इंदु जी, ठीक है। ये एक ड्रामेटिस्ट थे, सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये भी फेमस पर्सनालिटी थी अपने टाइम में, बहुत सारे ड्रामास लिखते हैं ना लोग, बहुत सारे प्ले राइट्स भी होते हैं, कईयों को किसी रीज़न से पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती। ईयर इसका था 1984। जब आप इसका टाइटल देखोगे तो टाइटल में ये मेंशन किया गया है कि दिस वर्क वाज डेडिकेटेड टू ब्रायन फ्रायल, ठीक है। शायद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे होंगे उनसे, ऑफिशियल रेफरेंस तो नहीं मिली, बट कोई भी किसी को भी जब वर्क डेडिकेट करता है तो बगैर किसी रीज़न के नहीं करता, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बार पूछ लेता है किसको डेडिकेट किया है। हाँ जी रेनू जी, हाँ जी नीलम जी, आयरिश प्ले राइट ड्रामेटिस्ट ज्यादा थे ये, ठीक है। जो प्ले लिखेगा वो प्ले राइट, ड्रामा लिखेगा तो ड्रामेटिस्ट, जो भी दे मतलब ऑप्शन में कि ब्रायन फ्रायल पे वैसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, अगर दे तो रिसर्च वर्क कर लेना उस चीज पर। जहाँ तक मुझे पता है मैंने ड्रामेटिस्ट ही पढ़ा था, बट चलो ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं। ये भी तो खुद भी तो लेक्चरर ट्रांसलेटर थे, आयरिश पोएट थे। नेक्स्ट इनका वर्क है द हो, आई गेस 7th नंबर है ये, लैंटर्न, अगेन कलेक्शन है, ठीक है, 1987, क्योंकि वो 84 था ना स्टेशन आयरलैंड, 1987। नेक्स्ट चीज
अब एक चीज मुझे पहले बतानी थी वैसे कि 1985 में ना इन्होंने एक और पोम लिखी थी. वैसे मीनवाइल ये पोम या वर्क तो बहुत सारे लिख रहे थे, जब आप सर्च करोगे ना तो बहुत लंबी लिस्ट ही निकाल के देगा. लेकिन 1985 में, यानी कि इस वर्क से पहले ऑलमोस्ट 2 साल या 1.5 साल पहले, फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कंसाइंस ये इन्होंने एक पोम लिखी थी. ठीक है, लेकिन एक तो राइटर होता है ना कि मेरा कुछ मन कर रहा है तो मैं लिखूं, पोएट होता है कि मेरा कुछ मन कर रहा है तो मैं लिखूं. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, ये इसका वर्क है हमारे लिए. आप कहोगे शायद इसलिए इंपॉर्टेंट है. नहीं, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेशली किसी के कहने पर लिखी गई थी, एक एनजीओ के कहने पर ये लिखी थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और उसका नाम अगर आप आज देखोगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ आयरलैंड, लिख देती हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ आयरलैंड. ठीक है, तो इसके कहने पर, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी है आयरलैंड में. ठीक है, इसने रिक्वेस्ट करी थी हैनी से कुछ लिखने के लिए. तो मतलब ऐसे भी राइटर थे कि किसी की एक बात पे वो मान जाया करते थे, तो ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. वैसे ऐसे राइटर होते नहीं हैं. ठीक है, तो अगर ये थे, यानी कि कुछ बात रही होगी, तो फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ कंसाइंस. क्वेश्चन पूछने वाले ये भी पूछ सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ आयरलैंड के कहने पर, ठीक है, कंसीडर करने पर हैनी ने कौन सा वर्क लिखा था. तो ऐसे याद कर लेना, एनजीओ है इंटरनेशनल तो रिपब्लिक. ठीक है, अच्छे जितने भी एनजीओज होते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों के लिए ही काम करते हैं, तो रिपब्लिक ऐसे याद कर लेना. हाँ जी मनबीर जी, वो नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है, एक कैपेसिटी होती है ना दिमाग की, है ना. वो आज हमें लग रहा है कि काफ़ी लोग मीनवाइल बीच में डालते रहते हैं ग्रुप पे कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा. वो भी एक तरीके का अलार्म देने की कोशिश करते हैं कि स्पीड पकड़ लो. नेक्स्ट, सीइंग थिंग्स, चीज़ों को देखना. 1991 कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है, लिखा इन्होंने बहुत सारा है. मैं मेन जो चीज़ें जिन पे कहीं ना कहीं पूछा गया है या क्वेश्चन है, बीच में वर्क है, लेकिन मैंने वो इंक्लूड करे हैं जिनके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. ठीक है, अब जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, किसी रीज़न से अभी तक जुड़े नहीं हैं, मैंने रात को ही लिंक सेंड कर दिया था, एंड नंबर ऑफ अचीवमेंट्स वहाँ पर भी हैं, उसको पढ़ लीजिए, कुछ रह जाए तो फिर विकिपीडिया देख लेना. नेक्स्ट वर्क है इनका द स्पिरिट लेवल, ये इम्पोर्टेंट है. स्पिरिट, जब मार्लो पढ़ रहे थे तो भर भर के ये वर्ड यूज़ हुआ था. ठीक है, द स्पिरिट लेवल 1996. अगर ईयर का कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी बार हो जाता है, दो जगह तीन जगह दिमाग चल रहा होता है. ठीक है, तो एक बार कन्फर्म अपने लेवल पे करते रहना. मैंने क्रॉस चेक कर लिया था, फिर भी कभी कभार हो जाता है. ये वर्क इम्पोर्टेंट है 1996 का. हेलो खुशी जी, खुशी जी कह रही 1994 किस चीज़ का? द स्पिरिट लेवल 96 है, चेक कर लो बेशक अभी साइड में 10-20 सेकेंड के लिए ऑफलाइन होकर. ठीक है, एक अवार्ड होता है बुक ऑफ द ईयर. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक है तो बुक को ही दिया जाएगा. बहुत बार ये होता है कि कलेक्शन होती है, तो जो द स्पिरिट लेवल है ना, ये पोइट्री की कलेक्शन है. जितनी भी चीज़ें हमने कर रही हैं वो पोम्स की ही बात कर रहा है. तो ये जो बुक थी ये पोइट्री की कलेक्शन है, इसको. हाँ जी खुशी जी, कोई बात नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. तो वाइट हेड अवार्ड, यानी कि वाइट हेड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया था. ये पब्लिकेशन हाउस भी था पहले, पेंगुइन पब्लिकेशन है. ठीक है, दुआब पब्लिकेशन है, बहुत सारे पब्लिकेशन, वर्ल्ड व्यू पब्लिकेशन है, नॉर्टन पब्लिकेशन है,
तो अभी का तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पहले पब्लिकेशन हाउस भी हुआ करता था। तो ये अवार्ड 1996 में द स्पिरिट लेवल को मिला था। जितनी भी साइट्स आप विजिट करोगे, ये नाम अगर है तो ये अवार्ड ज़रूर होगा। काफ़ी बार अवार्ड इस वाले तरीके से पूछ लेता है। फर्स्ट इसकी जो पोम है, क्योंकि कई बार पहले पूछ लेता है, ठीक है, तो फर्स्ट ही नोट की है मैंने। हाँ जी इंदु जी, ज़्यादा मैंने नहीं की। मधु जी ने ब्रेड लिख दिया था गलती से। द रेन स्टिक ऑफ ए द रेन स्टिक टू ए डच पोर्टर, द रेन स्टिक टू ए डच पोर्टर। अगर इसके अंदर 30 से 40 पोम्स आती हैं सारी, तो आप नहीं ध्यान रख पाओगे। लेकिन क्या होता है कि काफी बार ये देखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पेपर होते हैं ना, ठीक है, अब मैं आर्मी की बात करूं, वैसे मुझे याद आया कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जॉब से निकली हुई है, हालांकि वो 3 साल तक ही उसका स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। मोस्टली स्टेट में आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, तो दीजिए यार पेपर, ठीक है, उसका भी एडवर्टाइजमेंट मेरे पास है, नोटिफिकेशन ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि स्कोर कार्ड मिल जाता है, 3 साल तक वैलिड हो जाता है एक तरीके से, कि अगर आप अप्लाई करना चाहो, नियर बाय आपके घर के पास या 1-2 किलोमीटर की रेंज में अगर स्कूल है और आप जॉब करना चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो 3 साल तक वैलिड रहता है, कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट बहुत सारे बार क्या होता है, एक्सपोजर मिल जाता है करंट वेल, क्योंकि ऑनलाइन होता है उसका पेपर भी, तो आपको पता हो जाता है कि सिस्टम किस तरीके से हैंडल करना है, तो अच्छा एक्सपोजर है, ठीक है। तो रेन स्टिक टू अ डच पोर्टर द स्पिरिट लेवल की कलेक्शन के अंदर आता है। स्पिरिट लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, द स्पिरिट लेवल, क्योंकि व्हाइट हेड अवार्ड मिला था। हाँ जी नीलम जी, पोस्ट इतने ही निकालता है पोस्ट। अगर पुराना एडवर्टाइजमेंट आपने देखा हो ना, मतलब 1.5-2 साल पहले की मैं बात करूं, तो 8,000 या 7,500-7,200 के आसपास ही इसकी वैकेंसी आई थी। ये इतने ही निकालता है, इतनी ही आती है, इतनी ही लगभग KVS की भी आएंगी, ठीक है। लेकिन उसका फंडा ये होता है, प्रॉब्लम ये है कि जब सब्जेक्ट की बात आती है ना, तो इंसान सब्जेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट में मात खा जाता है, क्योंकि दिक्कत यही है, पोस्ट कम रह जाती हैं। 34 पोस्ट हैं, 35 पोस्ट हैं, फिर सब डिविजन्स हो जाती हैं, ठीक है, तो है चीज़ें। बट लेवल की अगर बात करें तो पता नहीं क्यों शायद KVS बेटर है। NVS को कंपेयर करूं, आर्मी को कंपेयर करूं, या फिर NVS को कंपेयर करूं, पता नहीं क्यों मुझे KVS ज़्यादा बेटर लगता है। मनवीर जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोटा चलता है उसमें, ठीक है, दे प्रेफर नहीं, अगर कोई आर्मी स्कूल से पढ़ा भी हुआ है ना तो उसको करेंगे, ठीक है। मेन ये पंगा है कि जब स्कोर कार्ड वैलिड है, मान लो अगर मेरे एरिया में स्कूल है, ठीक है, या दिल्ली कैंट में है वैसे तो स्कूल, अगर वो बुलाते हैं ना, तो उनका इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है। एक स्कूल में एक सीट है, इंडिविजुअली वो निकाल देंगे, जैसे KVS की भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की अभी निकली हुई थी, हर बार निकाल देता है वो, 6-6 महीने का प्रोसीजर रहता है, ठीक है। प्रेफर का ये हो जाता है, वो प्रिंसिपल वाली बात हो जाती है। अगर आपका स्कूल स्कूल में कोई जान पहचान वाला है, या आपका बच्चा पढ़ता है, आपके नोन पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा वो कंसीडरेशन हो जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत बहाने बन जाते हैं, एक सीट पे 100 लोग आ गए, मैं ये सोचूं जी फर्स्ट नंबर पे मैं हूं, तो नहीं, इतना भी नहीं ना, मुझसे भी महान दुनिया है, ठीक है, इंडिविजुअल मैटर करता है वो। मनबीर जी तो ये दिल में ना लाओ, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। बाकी देखो प्रेफरेंस का तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई KVS तक पहुंचा या NVS तक पहुंचा, इंटरव्यू में रह गया, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं जी, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी रीजन से शायद जवाब नहीं देना आया होगा, वो बहाने बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ऐसा मत लाया करो दिल में, स्कोर कार्ड दो तो सही, 3 साल तक वैलिड रहेगा, सीटेट भी तो हमारा 5 साल तक वैलिड रहता है, 7 साल तक, ठीक है, तो वो तो अचीवमेंट्स हो जाती हैं। हाँ जी मनबीर जी, ठीक है, देते रहना चाहिए, पता रहता रहे, पता है इससे बेनिफिट क्या होता है, आप किसी इंटरव्यू में जाओगे ना, ये ना सोचा करो सिलेक्ट ही होना है, ये सोचा करो कि जाके देखते हैं कि वो किस तरीके से कहते हैं कि चलो जी इस टॉपिक पे डेमो दो, ठीक है। अब आप आर्मी के इंटरव्यू में गए, आर्मी स्कूल के, वहां पे आपको ये कह दिया कि आप लिटरेचर में से ये टॉपिक पढ़ा दो,
मैं ये नहीं कहती आप नहीं पढ़ा पाओगे, आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है, हो सकता है वहां से आप कुछ सीख कर आए, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई वही टॉपिक पढ़ाने को बोलेगा ना, आप NVS के इंटरव्यू में जाओगे या KVS के इंटरव्यू में जाओगे, तो आप वो गलती नहीं करोगे जो आपने फर्स्ट टाइम की होगी, ठीक है। तो कोई नहीं गुरजीत जी, चलता रहता है, जो आज तक नहीं मिला ना उसके पीछे कुछ रीजन होगा, ठीक है। आप सिर्फ सेल्फ मोटिवेट खुद को ही कर सकते हो, ठीक है। ये सोच के खुश हो जाया करो जी, हमारी अगर हर साल जॉब निकले ना स्टेट की और सेंटर की, तो अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट को आप देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट को देख लो, मिनिमम 2 से 3 साल वो लटकाते ही हैं, और कई बार लटक जाते हैं पेपर, ठीक है। तो हैं चीज़ें, एवलाज वो 8000 पोस्ट की ना ओवरऑल होती है, सब्जेक्ट तक आते आते वो डिवाइड हो जाती है, तो हाथ में जितनी आती हैं आपको तो एक ही चाहिए, तो फर्क पड़ जाता है उस चीज का, ठीक है। वो 8000 जो पोस्ट निकलती है ना, वो सबको ध्यान में रख के करते, भर्ती जरूरी नहीं है, 8000 निकली है तो 8000 पे ही हो। बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट ये कह देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह देती है, जी फलाना इंसान ने मिनिमम स्कोर इतना किया, 60 सीट थी तो 60 के 60 कैंडिडेट उस चीज को, उस टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं कर पाए, तो फिर सीट बच जाती है, ठीक है। अभी अगर 5 सीट यहाँ से बच गई, ये नेक्स्ट में दिखाई जाएंगी तो अगली बार फिर बच जाएंगी, तो कभी भी ये सोच के मत देखा करो कि 8000 सीट है तो 8 की 8 पे ही भर्तियाँ होंगी, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, हाँ जी एवलास, बहुत बार ये भी देखा गया है कि काफ़ी ऐसे पेपर में शो कर दिया जाता है, जी ये मिनिमम 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, किसी भी कैंडिडेट ने नहीं किया, तो ऐसे भी चीज़ें चलती हैं। मैं ये नहीं कह रही सारे फेक होते हैं, बट ये थोड़ा सा, अगर एक पेपर को 2 लाख लोग भर रहे हैं, ठीक है, 2 लाख में से क्या ऐसे 10 लोग नहीं थे कि जो ब्रिलियंट माइंड हो। मैं मानती हूँ 90% लोग पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते, भैया 2% तो गए होंगे। अगर मैं अपनी स्टेट बोर्ड की बात करूँ ना, फिजिक्स TGT फिजिक्स की जॉब निकली थी यहाँ पे, TGT नेचुरल साइंस होता है वैसे तो, मेल कैटेगरी भी थी फीमेल कैटेगरी भी थी, आप डालोगे ना DSSB बोर्ड तो आपको सर्च करके दे देगा, फीमेल का एक भी कैंडिडेट नहीं आया, 20,000 लोगों ने पेपर दिया था, 20,000 में से एक के पास भी दिमाग नहीं था कि फिजिक्स की पोस्ट पे कोई फीमेल आ जाए। नहीं मीनू जी NVS में नहीं हूं, ठीक है, स्टेट बोर्ड में हूं दिल्ली। NVS में होती तो रेजिडेंशियल होता ना, फिर तो मैं यहां आ ही नहीं सकती थी, उसमें तो बंद जाता है इंसान, कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो नेक्स्ट करते हैं, आप फटाफट से इनका काम खत्म करें। इलेक्ट्रिक लाइट, में ज़्यादा इसके बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है वर्क, दूसरा इसमें एलेजीज लिखी हैं। अब एलेजीज तो बहुत लोगों ने लिखी हैं, ठीक है, बहुत, किसी ने अपनी फैमिली के लिए लिखी है, किसी ने अपने फ्रेंड के लिए लिखी है, किसी ने अपने बिलवेड के लिए लिखी है। इन्होंने जो इनके पोएट फ्रेंड्स थे ना, जिनको ये एडमायर भी करते थे, उनके लिए लिखी है। अमन जी पेपर लटक गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, मेहनत करना हमारा काम है, आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी, कल नहीं मिली तो परसों मिल जाएगी, लेकिन हम एटलीस्ट उन लोगों से मैं सोचती हूँ कि बेटर हैं जो ये हार मान के बैठ जाते हैं कि यार अब कुछ नहीं होना। जब आप ऐसा कर लेते हो ना कि अब कुछ नहीं होना या अब कुछ नहीं हो सकता, आपको नहीं पता कि आपकी एक सोच ना आपकी पास जो सीट थी वो आपको उससे दूर कर देती है। मैं ये सोच के बैठ जाऊँ भैया मुझे पेपर नहीं देना, ठीक है, या मेरा पेपर पता नहीं कब होगा, आपको नहीं पता मेरी लापरवाही या आपकी लापरवाही ना वो सीट किसी और को दे देगी, किसी और के पास चली जाएगी वो सीट, तो हर एक सीट के लिए फाइट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए डोंट बी डिप्रेस और होपलेस नहीं होना चाहिए कभी, कभी ना कभी तो हमारा भी दिन आएगा। टेड ह्यूजीज की रेफरेंस मिलती है। नेक्स्ट है जोसेफ, ब्रॉड स्काई, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, हालांकि ए वर्ड नहीं है, बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग में सरनेम में नहीं आता, ब्रॉड स्काई करके इसको याद कर लेना। हाँ जी रेनू जी लिख रही हूं, एक है
जैसे कि रेनू जी ने अभी नाम दिया, थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है। अब इसे जी बोलूं, क्योंकि आजकल तो जी बोला जाता है 3 साल से, तो वैसे हम जब छोटे थे इसको जेड बोला करते थे, जेड से जेब्रा, जीब्रा। तो जेबिग न्यू। हाँ जी, हाँ जी रेनू जी, आ जाएगा एवलाज। ठीक है, अपने दिन हम खुद ही ला सकते हैं। अब हम ये सोचे कि कोई और हमारा पेपर दे आए, तो वो तो यार हो नहीं सकता ना, वो तो एहसान वाली बात हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही बड़े एहसान दिखाते हैं कभी कभार लोग हर चीज़ के लिए। टेड ह्यूजेस, जोसेफ ब्रॉड्सकी और जेबिग न्यू हर्बर्ट, इनके अलावा फैमिली एंड रिलेटिव्स। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, एंड नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, हाँ जी मीनू जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इलेक्ट्रिक लाइट 2001 में। ठीक है, कंसाइंस की लाइट आप इसे कह सकते हो, मेमोरीज की लाइट आप कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ग है डिस्टिंक्ट एंड लाइट। हाँ ये डिस्टिंक्ट एंड लाइट एंड है ये। ठीक है, 2006। वर्क बहुत सारे हैं अमन, पेपर तो तभी लेंगे ना जब पैसा होगा। सीधा पैसा लेके और देके खुश कौन है आजकल। थॉमस स्टर्न्स एलियट ले लेंगे, पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड लाइट वर्क इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया, द स्पिरिट लेवल को व्हाइट हेड अवार्ड मिला था, ऐसे ही इस वर्क को T.S. एलियट प्राइज मिला था। प्राइज तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कुलवीर जी कह रही है डिस्ट्रिक्ट है या डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंग्विश करने वाला, डिफरेंस या मार्जिन जिसे हम कहते हैं ना, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, वो है। तो डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पढ़ा मैंने, दो जगह से पढ़ा है, डिस्टिंक्ट ही पढ़ा है। रेनू जी कह रही है खजाना खाली है। हाँ जी, हमारा तो था ही खाली। ठीक है, और सरकार का तो कभी बनना नहीं, क्या बोलें अब। ठीक है, बोल के भी कभी कभार ऐसा ही लगता है कि अपनी ही एनर्जी जा रही है। ये जो कलेक्शन है ये इस एक चीज के लिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डेडिकेट की गई थी एक आयरिश प्रोफेसर थे। अब इस चीज की रेफरेंस नहीं मिलती, क्या ये सीमस हैनी के ही प्रोफेसर थे? ठीक है, क्योंकि ये खुद भी लेक्चरर थे ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये जिसको डेडिकेट की हो ये उसको बहुत अच्छे से जानते हो। एन सैडल मायर। ठीक है, ऐसे आपको रेफरेंस मिल जाएगी और ये वाक्य में आप अगर सर्च करोगे ना तो आपको ये पर्सन की रेफरेंस मिल जाएगी कि आयरिश जो है ये प्रोफेसर थे। तो डिस्टिंक्ट एंड लाइट जो वर्क है T.S. एलियट यानी कि थॉमस स्टर्न्स एलियट प्राइज मिला था, जो कि हर किसी को नहीं मिलता। दूसरी बात, बुक का अगर कवर पेज आप देखेंगे, मतलब फ्रंट पेज नहीं कह रही, जब अंदर जो रेफरेंस होती है ना प्रीफेस या एडिशन के बारे में बताने के टाइम पे, उसमें ये लिखा गया है डेडिकेटेड टू एन सैडल मायर। हाँ जी ममन जी, 2006 में ही मिला था ये प्राइज। ठीक है, तो थोड़ा सा जो प्राइज जिस वर्क को मिल जाता है वो हमें ध्यान रखना होता है। ऐसे ही ब्राइन फ्रायल का भी ध्यान रखना और इनका भी ध्यान रखना। कोई नहीं कुलवीर जी, ठीक है, देखो दोनों वर्ड तो कभी नहीं देगा है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी वर्क में डिस्टिंक्ट एंड लाइट दे देगा और दूसरे में डिस्ट्रिक्ट एंड लाइट दे देगा, तो इतनी नहीं टेंशन लिया करो। ठीक है, राइटर थोड़ी ना सेम सेम दे देगा। नेक्स्ट है ह्यूमन चेन। कैसे याद करेंगे मेरे को, मैंने तो ऐसे याद किया था कि ह्यूमन को चेन में बांध रखा है, ह्यूमन चेन 2010। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी नीलम जी, ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि T.S. एलियट का प्राइज मिला था ना, दूसरे वाले को मिला नहीं था इसलिए बताया बस। हाँ जी खुशी जी,
2010 ही है, लिख दिया. फर्स्ट पोम है इसमें, हैड आई नॉट बीन अवोक. अवेक है, हैड आई नॉट बीन अवोक. ये चेक करूँ अवोक है या अवेक है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म की प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो अवेक ही है. फर्स्ट पोम है इसकी, ठीक है. पोएट्री की कलेक्शन है ह्यूमन चेन, इसको भी अवार्ड मिला था. दूसरी चीज जो आपको इसके बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी, फॉरवर्ड पोएट्री प्राइज. अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड. तो फॉरवर्ड पोएट्री प्राइज ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. हाँ जी इंदु जी, अब एक कभी बार मुझे ना मेरा ए बनाना, आर और एस बनाना, ठीक है. ये तो जब मैं स्कूल में बोर्ड पे भी लिखती थी ना, तो मेरे वाले बच्चे बड़े परेशान रहते थे कि मैम आपको आर नहीं बनाना आता. तो ये मेरे साथ ए की और थोड़ी सी आर की है प्रॉब्लम. मेरे को अपना बनाया हुआ भी कभी कभार समझ नहीं आता. मनवीर जी वो ट्रिक होती है, आप किसी भी एक राइटर्स के सभी वर्क एक स्टोरी और राइम फॉर्म में लर्न करते हो. नहीं मनवीर जी, दरअसल क्या है कि जब मैं नेट के लिए तैयारी कर रही थी ना, क्योंकि कल पेपर था, ठीक है, तो मुझे अब याद आया, जब मैं 2016 में, जून की बात है, मैंने दिसंबर वाला क्लियर किया था, तो जब मैं पढ़ती थी ना, तो जैसे हेरोल्ड पिंटर है, ठीक है, सारे वर्क जो है ना, तो उनको एक स्टोरी फॉर्म में ही याद करती थी. अभी जब हम डिस्कस करेंगे ना विलियम गोल्डिंग, तो विलियम गोल्डिंग पे भी मैंने बनाया हुआ है. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं. तो आज आपने जब लिखा ना, तो मुझे याद आ गया कि उस टाइम से वो थोड़ी सी हैबिट है ऐसे याद करने की, ठीक है. तो वो चीज़ अगर हो जाती है याद, तो अच्छी बात है. इस वर्क को आयरिश, बाकी आपने बात सही की है कि मैं ऐसे ही याद करती हूँ. आयरिश टाइम पोइट्री प्राइज ऐसे ही लिख देती हूँ. दो प्राइज मिले हैं मनवीर जी, उसके लिए रिवाइज कर लिया करो बार बार, ठीक है. कहानी फॉर्म में ही याद होती हैं, बाकी अपना अपना तरीका होता है. ये जो वर्क था ये 2000, मतलब जो प्राइज था ये 2011 में मिला था, ये 2010 में मिला था, ठीक है. तो फॉरवर्ड पोइट्री प्राइज कि अब आगे भी अवार्ड जीतेंगे, एक और जीत लिया आयरिश टाइम पोइट्री, ठीक है. फर्स्ट पोम का नाम मैंने आपको इसका बता दिया था, हैड आई नॉट बीन अवेक. ये हो गया. अब इसकी जरा पोइट्री तो हमने देख ली, थोड़ा ही वर्क अब डिस्कस करेंगे. प्ले, ठीक है, प्लेज के बारे में दो ही डिस्कस करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी. जिन पे क्वेश्चन पूछा गया है वही करूंगी. द क्योर एट ट्रॉय. अब ये जो वर्ड है ना यहां पर, ठीक है, एक जगह आपको कर्स्ड भी मिलेगा. कर्स्ड ट्रॉय नहीं है, क्योर है, ठीक है. एक दो वेबसाइट मैंने चेक करी नाम को लेकर, थोड़ा सा जैसे अभी बोला ना किसी ने, कुलवीर जी ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ था. देखो एक तो वो वर्क उसका है ही, ठीक है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि जब टाइपिंग चल रही होती है ना, या एडिटिंग का काम चल रहा होता है, ब्लॉग लिखते हैं लोग, या कॉपी पेस्ट का सिस्टम होता है, तो काफ़ी बार चीज़ें कुछ गलत भी हो जाती हैं. द क्योर एट ट्रॉय है, ट्रॉय से याद आ गया होगा, हेलन ऑफ ट्रॉय. वर्जन ऑफ सोफोक्लीज, पूरा नाम भी है और यहां से रेफरेंस भी ली है. सोफोक्लीज का इडिपस रेक्स, नहीं पढ़ा तो कभी पढ़ लेना. बाकी जो इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में तो लिटरेचर वालों को मेरे को लगता है कि पता ही होगा. नहीं पता तो फिर सर्च कर लेना, नहीं तो डीएच लॉरेंस को पढ़ लेना. अब मैं आ गया और क्या ही बोलूं, ठीक है. कभी कभार ऐसा लगता है कि लिटरेचर जितना फनी सब्जेक्ट कोई नहीं है, सच बोल रही हूँ, ठीक है. टाइम मिल जाए या कभी बोर फील करो तो इंग्लिश मूवी ट्रॉय या 300 देख लेना एंटरटेनमेंट के लिए. इंडियन में तो बाहुबली है, ठीक है. प्रमोट नहीं कर रही मैं, क्योंकि काफी बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना, इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा फन भी होना चाहिए.
1990, ठीक है, 1991 का भी वर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 1990 है, क्योंकि पोम्स को अलग कर दिया था, प्लेज को अलग कर दिया था, थोड़ी सी इससे आसानी हो जाती है। सब टाइटल भी है, यहां से रेफरेंस भी ली है, क्योंकि सोफोक्लीज का भी बड़ा अपने टाइम में नाम रहा है ग्रीक में, ठीक है। सोफोक्लीज हुए, यूरिपिडीज हुए, होमर को भी हम जानते हैं, एरिस्टोटल प्लेटो को तो सब जानते ही हैं, लॉन्जाइनस को भी जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो प्ले है, द बरिड एट थीबिस, एक फिगर भी है ये, ठीक है। अगर इलियड किसी ने पढ़ा हो तो उसमें भी आया होगा, नहीं तो वेस्टलैंड में मिलती जुलती फिगर आती है जो T.S. एलियट का है। इवर्जन ऑफ सोफोक्लीज, मैसेज आया अभी देखती हूँ, एक सेकेंड। वर्जन ऑफ सोफोक्लीज एंटीगोन, अरे मनवीर जी मेरे को भी तो पसंद है लिटरेचर, ठीक है। आपको क्या लगता है लिटरेचर वाला ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको लिटरेचर नहीं पसंद होगा, ठीक है, सबको पसंद होगा। लेकिन ये बात है, इसकी ब्यूटी पता है क्या है, आपको समझ सारी चीज़ें आती हैं बट ओपनली आप कुछ कह नहीं सकते, और लिटरेचर वाला ही एक लिटरेचर वाले को बहुत अच्छे से समझ लेता है। आप जो कहना चाहोगे अगर किसी हिंदी ऑनर्स वाले को बताओगे या संस्कृत वाले को बताओगे ना, उसको आप जो समझाना चाह रहे हो वो समझ जाएगा। एक मैथ्स वाले को या साइंस वाले को समझाओगे तो वो कहते हैं ना फीलिंग्स, वो नहीं समझेगा। हाँ जी, कोई भी लिटरेचर हो प्रीत गिल जी, ठीक है, लिटरेचर मतलब बॉन्डिंग, बस बेस्ट एक वर्ड में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 2004 में आया था, जैसा कि खुशी जी ने आंसर दिया, पता तो बहुत सारे लोगों को था, उनका नाम मैंने इसलिए लिया बिकॉज उनका साइमेंटेनियसली आंसर आ गया था। ट्रांसलेशन, ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं, मतलब 3 से 4 ट्रांसलेशन है, मैं सिर्फ 2 ही मेंशन कर रही हूँ। एक है स्वीनीज फ्लाइट, एक वर्क भी है ना स्वीनी अमंग द नाइट एंगल, कंफ्यूज नहीं करूंगी, 2 ऑप्शन दे देती हूँ, एलियट या यीट्स, बता देना किसने लिखा है। स्वीनीज फ्लाइट, ठीक है, 1992। नेक्स्ट है मिडनाइट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब तो एक तरीके से फतवा होता है ना। मिडनाइट वर्ड सुनते ही मुझे मिडनाइट चिल्ड्रन याद आ जाता है। मिडनाइट वर्डिक्ट, ये दरअसल क्या है, ओविड के मेटामॉर्फोसिस जो ओविड ने लिखे है ना, वहां से इसकी रेफरेंस ली गई है। अब पूरा क्या ही लिखूं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, 1993, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। तो अमन का और रेनू जी का, सुनीता जी का, एवलाज का, सभी का आंसर आया है, सही बात है। बियोवुल्फ, जब आप चौसर पढ़ेंगे, चौसर से पहले, थोड़ा पहले, ये रेफरेंस वहाँ पे भी आती है, क्योंकि लिटरेचर की ब्यूटी यही है, बहुत सारे नाम देकर सेम पर्सन के कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है कि एक जनरेशन से, मतलब एक सेंचुरी से सडनली बहुत ज्यादा लैप्स है दूसरे वर्क के बीच। हाँ जी खुशी जी, 1999, 3 डिस्कस कर लिए इनके ट्रांसलेशन जो फेमस हैं, ठीक है, वहां पे तो ये वर्क था। चौसर से पहले के टाइम की अगर बात करूं तो हमारे काम के इसलिए नहीं है वो ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हमारा जो पीरियड इंग्लिश लैंग्वेज का फ्लरिशमेंट हुआ है ना, वो चौसर से हुआ है सबसे ज़्यादा। इसीलिए मोस्टली जितना भी आप सिलेबस देखोगे, किसी भी स्टेट बोर्ड का देखोगे, तो एज ऑफ चौसर से ही स्टार्ट करता है, क्योंकि इंग्लिश का मतलब वही है जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन तो बहुत पहले से भी था। हाँ जी मनवीर जी,
अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो मैं इसको क्या ही बोलूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा का तो मतलब एक तरीके से ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने डाल दिया, बट ये वर्ड मुझे लगा नहीं कि ये अप्रोप्रिएट है। 2009 में डेविड कोहन अवार्ड मिला था, मतलब डेविड कोहन प्राइज, ठीक है। सीमस हैनी की बात कर रहा है, कई बार राइटर को भी मिलता है ना, जैसा नोबल प्राइज इन लिटरेचर। पहले तो कोई टेक्स्ट पढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बेसिस पर उसको रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। उसको देखा जाएगा कि सोशल लेवल पे वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती भी है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर एक अवार्ड के लिए 10 लोगों का नाम एनलिस्ट करके आगे भेजा जाता है, तो उन 10 में से 5, देन 4, फिर 2, फिर 1। तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनका काम बोलता है, तो एज अ पर्सन इनको दिया गया था। 2002 में ग्रिफिन, मुझे नहीं पता आपने इनविजिबल मैन पढ़ी है नॉवल या नहीं पढ़ी, ठीक है। एच जी वेल्स, जो टाइम मशीन या साइंस फिक्शन पे ज़्यादा लिखते थे, उनकी नॉवल में एक ये कैरेक्टर था ग्रिफिन। पहले तो 12th क्लास के बच्चों को लगाई गई थी, ठीक है, CBSE NCERT ने लगाई थी। अब 2 साल से तो वो चीज़ है ही नहीं। ग्रिफिन ट्रस्ट, याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले भी कहा था एक दो चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ मैंने ये अपनी क्लास को पढ़ाया है। ग्रिफिन ट्रस्ट फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस इन पोएट्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसको हम कह सकते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट को जो इन्होंने अवार्ड पर्सपेक्टिव से नाम दिया है ना, वो है रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इस अवार्ड का पूरा नाम तो नहीं देगा, लेकिन ग्रिफिन ट्रस्ट अवार्ड दे सकता है, क्योंकि ये नाम, ये दो जो वर्ड हैं, ये ज़्यादा मेन है, ठीक है। अब क्या चीज़ रह गई, ईस्टर राइजिंग के बारे में बात करना। पोम भी लिखी है ना किसी ने ईस्टर के ऊपर, WB Yeats या TS Eliot, ठीक है। अभी डिस्कस नहीं कर रही ना, तो इसलिए अभी हिंट दूंगी सिर्फ, जिससे कि ये रहे लोगों को कि हाँ कुछ बोला गया था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। 1916 में ईस्टर राइजिंग को ऑलमोस्ट, मतलब यही हो ना, हाँ 1916 से लेके कह रहा है। हाँ जी खुशी जी, कुलवीर जी, ठीक है। 50 साल पूरे होने पर, मतलब 50th एनिवर्सरी पर एक वर्क लिखा गया था, ठीक है। पोम है एक, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि जो रिपब्लिक करके इसने जो पोम लिखी थी वो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ आयरलैंड के कहने पे लिखी थी। ऐसे ही जब ईस्टर राइजिंग, क्योंकि क्या होता है, एक तरीके का फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ठीक है। क्रिसमस बाहर बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है, 40 डेज का उनका पूरा सेलिब्रेशन होता है। तो ईस्टर राइजिंग 1916 में, इसके रिगार्डिंग मूवमेंट भी हुई है, अगर किसी ने हिस्ट्री में पढ़ना हो या पढ़ा हो तो, ठीक है। बहुत वेरियस इसके डायमेंशन या आस्पेक्ट अपने टाइम में रहे हैं। 1916 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब ईस्टर राइजिंग पे इसने जो पोम लिखी थी। हाँ जी रेनू जी, रिक्वेम, अब इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग का मुझे देखना पड़ेगा, कई बार पढ़ लेता है इंसान और स्पेलिंग भूल जाता है। फॉर दी क्रॉपीज, क्रॉप्स के रिगार्डिंग, ठीक है नहीं वैसे ये, कभी आप सोचो क्रॉपीज, हाँ यही है, यही नाम है, मैंने वो आगे लिख रखा था, ऑन द 50th एनिवर्सरी। ये जो पोम है ये इस ओकेजन के लिए लिखी गई थी, ओकेजन पर लिखी गई थी या के लिए लिखी गई थी, रीज़न यही है कि ईस्टर राइजिंग की एनिवर्सरी मना रहे थे ये, वो भी गोल्डन 50, ठीक है। लास्ट वर्क वैसे ट्रांसलेशन है, Book 6 ऑफ ए नीड, ये भी वर्क है एक, ठीक है। अगर वर्जिल, होरेस, दांते, मतलब जो पुराने ग्रीक वाले हैं, ठीक है, एनीड सर्च करोगे तो किसका वर्क है वो आपको दे देगा। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा मुझे इसलिए लगा, Book 6 ऑफ द एनीड का ट्रांसलेशन जो इसका हुआ है ना, वो 2016 में आया है,
तो 2013 में तो ही वॉज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड. तो ये पोस्थमसली आया है, ठीक है, ज़रा इसलिए ये मुझे लगा कि थोड़ा सा मेंशन कर देना चाहिए, वरना वर्क तो इनके बहुत सारे हैं. हाँ जी मनबीर जी, ईस्टर राइजिंग सुन के वही आता है, ठीक है, बहुत सारे हैं उसके साथ भी. टी एस एलियट ने भी ईस्टर को मेंशन किया है, बट किसी टाइटल को लेके उसने ऐसा कभी नहीं लिखा. कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जब उनकी एज को करेंगे ना मॉडर्न राइटर्स को, तो ईस्टर के बारे में बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने बात की है, ठीक है. लेकिन हाँ, मेन जो है सबसे उसमें वो विलियम बटलर यीट्स ही है. मॉडगॉन आपका पता नहीं, बट यीट्स के बारे में सुनते ही मुझे मॉडगॉन याद आती हैं. मॉडगॉन और मॉडगॉन की बेटी, ठीक है. तो आज की क्लास के लिए इतना ही था. लिंक मैंने शेयर कर दिया था ग्रुप पर. फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखना हो तो पहले ये चीज, पूरा डिटेल में जंप करना हो तो फिर चैनल को विजिट करना, टेलीग्राम चैनल को, बाकी मर्जी आपकी है, ठीक है. तो अब कल मिलेंगे, कल करेंगे मैथ्यू आर्नल्ड, क्योंकि बहुत कुछ कहा है, बहुत सारी नॉवल लिखी हैं, बहुत सारे एसेज लिखे हैं. मीनवाइल इंसान ने बहुत सारे लोगों के बारे में भी स्टेटमेंट दी है. तो मैथ्यू आर्नल्ड का मतलब एक तरीके से है पूरा प्रॉपर वर्क, ठीक है. बाकी तो आपको मुझे पता ही है कि आपने नॉवल या उसके प्लेज जितने भी वो लिख कर गया है, पोम्स बेसिकली, किस किस को उसने डेडिकेट किए हैं, चाहे सोहराब एंड रुस्तम की बात हो या रग्बी चैपल की बात हो, ठीक है, या फिर उसका ऐसे कल्चर एंड एनार्की की बात हो. तो कल जितना हो सकेगा उतना डिस्कस करेंगे, नहीं तो वो फिर अगली क्लास में चला जाएगा. हाँ जी रेनू जी, मॉडगॉन, ठीक है. आयरिश पॉलिटिकल पर्सनालिटी, किसी रीज़न से शादी नहीं कर पाए, उससे नहीं कर पाए, तो 25 साल बाद उसकी बेटी को प्रपोज कर रहे हैं. मतलब हैरानी होती है, बट चलो कोई बात नहीं, अब तो ज़िंदा नहीं है ना इंसान, तो क्या बात करनी है उसके बारे में. हाँ जी डोवर बीच मास्टरपीस, ठीक है. तो कल मिलती हूँ, कल डिस्कस करेंगे मैथ्यू आर्नल्ड, फिर देखेंगे क्या करना है. बाय बाय तब तक के लिए. मीनू जी अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है ना, ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, हो जाएगी इम्प्रूवमेंट, बॉडी रेस्ट चाहती है. जब हम बॉडी को रेस्ट नहीं देते ना, चाहे मेरी बात हो या आपके पेरेंट्स की बात हो या किसी की भी बात हो, तो बॉडी क्या करती है, फिर वो बैठ जाती है. जैसे फ़ोन की बैटरी बैठ जाती है ना, फ़ोन गर्म हो जाता है, ऐसे ही बॉडी अपने आप रेस्ट ले लेती है. कल मिलती हूँ.